सुखविंदर सिंह सुखू जी का राजनीतिक सफर वाकई प्रेरणादायक है। उनके पिता एक सरकारी बस के ड्राइवर थे और आज उस सरकार की बागडोर उस पिता के बेटे के हाथ में है। उनके निर्देश पर यह सरकार चलेगी, उनके निर्देश पर सचिवालय चलेगा। सुखविंदर सिंह सुखू जी की शुरुआत बहुत हम्बल है, उन्होंने दूध तक बेचा, NSUI के अध्यक्ष बने, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने और अब सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनकी माँ जब मंच पर अभिवादन करने आई राहुल जी को और वापस पलट के नीचे जाने लगी तो बड़ी आत्मीयता और हक से राहुल जी ने उनसे कहा कि नहीं, वो बैठे वहां पर और ये सुनिश्चित किया कि वो प्रथम पंक्ति में बैठकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देख रही थी। सोचिए उस माँ के हृदय में क्या बीत रहा होगा, कितनी मुश्किल से पाला होगा बच्चों को, कितनी विषमताएं सहकर, और आज उनका लड़का हिमाचल का मुख्यमंत्री बन रहा था। बहुत ही भाव विभोर करने वाला क्षण था। लेकिन सुखू जी हमारी पार्टी में अपवाद नहीं है, बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी शोषित वंचित समाज से आते हैं, अपने बल पर तमाम वो चुनाव जीते, करीब 50 साल का तो उनका निर्वाचित होने का इतिहास रहा है। उनके पिता लेकिन मिल में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही बनकर लगातार चुनाव जीता और आज देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने आजादी का जंग लड़ा उसके सर्वेसर्वा। चाहे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जी हों, इनका राजनीतिक सफर वाकई प्रेरणादायक। ये छोटे से कार्यकर्ता के रूप में इनकी शुरुआत हुई, किसी की NSUI से, किसी की यूथ कांग्रेस से, और ये बढ़ते बढ़ते इन पदों पर पहुंचे। और इसीलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है लोकतंत्र का पर्याय बन चुकी है, कांग्रेस लोकतंत्र की आत्मा है। कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह का सफर लोगों का दिखा सके, कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो दिल पर हाथ रखकर ये बोल सके कि वस्तुतः कार्यकर्ता ही आगे बढ़कर सूबे का मुख्यमंत्री बनता है या बड़े पदों पर पहुंचता है। मेरी आशा है और उम्मीद है कि जो वादे हमने हिमाचल से किए हैं और शुभकामनाएं हैं सुखू जी की सरकार उनको पूरा करेगी, लोगों को उनका हक दिलवाएगी, क्योंकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सबसे आगे लाके खड़ा करना और उसका हक देना ही गांधी जी का मूल मंत्र था। और क्योंकि हम महात्मा गांधी की पार्टी है वही हमारा सिद्धांत है। सुखू जी को, उनकी पूरी कैबिनेट को मेरी शुभकामनाएं और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं से बस मैं इतना ही कहूंगी कि ऐसे सफर को देखिए, ऐसे सफर को देखिए जो प्रेरणा देता है, जो समर्पण की कहानी है, जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा और कर्तव्य की कहानी है, और जहां निष्ठा और कर्तव्य होता है सफलता जरूर मिलती है। बहुत बड़ा एक आसमां है और असीम है और वो आप सबका है। मुझे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पता नहीं क्यों मन हुआ कि ये जरूर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।